हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के बारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 404 है। आप पार्ट नंबर 403 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित अक्षर दिया है, यानी डी, देखिए डी डब्ल्यू टी जो है ना आपको यहाँ पर जी जेड डब्ल्यू से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्यू पी एम जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो डी और डब्ल्यू टी जो है ना आपको यहाँ पर जेड किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, डी डी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जी लिख रहे हैं। डी से डी जी किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो डी डी में अगर तीन को जोड़ देंगे तो कितना क्या जी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जेड लिख रहे थे। डब्ल्यू में क्या करते हैं, डब्ल्यू में अगर जेड तीन को जोड़ देंगे कितना क्या जेड आ जाएगा। और यहाँ पर टी लिख रहा है, ठीक टी टी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए टी से डब्ल्यू लिख रहा था। टी में क्या करते हैं, टी में तीन को जोड़ देंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करें क्यू, क्यू क्या करते हैं, यहाँ पर तीन को जोड़ते हैं। देखिए क्यू में भी क्या करते हैं, तीन को जोड़ देंगे। जब क्यू में तीन को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गए टी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए पी, पी से क्या करते हैं, पी पी में भी क्या करते हैं, तीन को जोड़ देंगे। यहाँ पर पी में भी तीन को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। कितना गया, यहाँ पर एस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना गया, एस आ जाएगा। ठीक है एस आ गया। और देखिए यहाँ पर एम, एम में क्या करते हैं, तीन को जोड़ते हैं। जब एम में भी तीन को जोड़ देंगे तो एम में तीन को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना गया पी आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा यानी अक्षर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर टी एस पी, टी एस पी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी टी एस पी यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्यारह, ग्यारह से क्या हो रहा है, यहाँ पर 33 हो रहा है। 33 ले 66 हो रहा है, 66 ले यहाँ पर 110 हो रहा है, 110 ले यहाँ पर 165 हो रहा है, 165 ले यहाँ पर 231 हो रहा है, 231 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 11, 11 से 33 किस प्रकार से लिख रहा है, 11 में क्या करते हैं, 11 में अगर 22 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 33 आएगा। और 33 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 66 लिख रहा है, 33 में क्या कर रहे हैं, 33 को जोड़ देंगे कितना क्या 66 रहेगा। और 66 ले, और देखिए 66, 66 ले क्या लिख रहा है, 110 लिख रहा था। 66 में क्या करेंगे, 66 में यहाँ पर 44 को जोड़ देंगे तो कितना का 110 रहेगा। और 110 लेकर लिख रहे हैं 165 लिख रहे हैं, तो 110 में क्या करते हैं, 110 में 55 को जोड़ देंगे तो 165 रहेगा। और 165 लेकर लिख रहे हैं 231 लिख रहे हैं, तो 165 में क्या करते हैं, 165 में यहाँ पर 66 को जोड़ देंगे तो कितना का 231 आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर 231 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे ये अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 22, 22 लेकर लिख रहे हैं 33 लिख रहे हैं, तो 22 में क्या करते हैं, 11 को जोड़ देंगे तो 33 आएगा। और 33 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 44 लिख रहे हैं, तो 33 में क्या करते हैं, 11 को जोड़ देंगे तो कितना गया 44 आएगा। और 44 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 55 लिख रहे हैं, तो 44 में अगर 11 को जोड़ देंगे तो कितना गया 55 आ गए। और 55 से क्या लिख रहे हैं, 66 लिख रहे हैं, तो 55 में 11 को जोड़ देंगे कितना गया 66 आ जाएगा। और 66 में क्या करते हैं, 11 को जोड़ेंगे, जब 66 में 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 77 आ जाएगा, यानी इसके आ जाएगा 77 होगा। यानी 77 को क्या करेंगे, 231 में जोड़ेंगे, जब 231 में 77 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 308 आ जाएगा। इतना क्या 308 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 308 होगा। तो 308 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृति समूह में कितने घन है। देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक आकृति दी, इन आकृति में बताना है कितने घन है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर रहा है, देखिए इस आकृति में बोल रहा है कि इस आकृति में आपको कितने घन दिया है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस घन यानी इस आकृति में कितने घन दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, एक हो गया, यहाँ पर दो दिख रहा है, ये तीन दिख रहा है, ये चार दिख रहा है। इसमें घन कितना दिख रहा है, चार को दिख रहा है। ठीक है और चार के बाद देखिए एक तो हो गया, इसके बाद एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। ठीक है यानी दो के बाद तीन हो गया, ये दूसरा तो हो गया। ठीक है इसमें कितना दिख रहा है, तीन को दिख रहा है। अब देखिए एक हो गया, दो हो गया, एक कितना है, तीसरा तो है। ठीक है तो तीसरा तो हमें कितना दिख रहा है, दो को दिख रहा है। अब देखिए पहला तो हो गया, इसमें कितना दिख रहा है, वन दिख रहा है। ठीक है तो एक हो जाएगा, ठीक है ना, एक हो गया। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इस सबको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर चार तो दिया है तो चारों को जोड़ लिए, अब इसमें जोड़ेंगे क्या करेंगे,
देखिए सबको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, दस आ गया, कितना गया, दस आ गया। देखिए छः तीन चार तीन सात सात हो गया, सात तीन दस हो गया, ठीक है। दस और दस में क्या करेंगे, दस को ऊपर से दिख रहा है तो दस को नीचे भी दिखेगा ना घन। तो देखिए तो इसमें क्या करेंगे, दो से गुना कर लेंगे, दस दुनिया का कितना हो जाएगा यहाँ पर बीस हो गया। यानी इस आकृति में कितने घन दिख रहा है, इस आकृति में आपको बीस को घन दिख रहा है, ठीक है। तो बीस देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बीस सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पे होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी जीरो को 64 के रूप में कूटवत किया जाता है, उसी कूट भाषा में यानी 5 को किस प्रकार कूटवत किया जाएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहा है, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि देखिए जीरो जीरो को क्या लिख रहा है, यहां पर 64 लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से बताना है कि किसी कूट भाषा में यानी उसी कूट भाषा में आपको 5 को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो को क्या लिख रहा है, 64 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहां पर जेड जेड ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, यहाँ पर आर दिया है, ओ दिया है, इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 64 लिख रहा है। ये 64 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए जेड जेड का स्थानीय मान कितना होता है, 26 पाता है, और ई का स्थानीय मान 5 पाता है, आर का स्थानीय मान 18 पाता है, और ओ का स्थानीय मान 15 पाता है, ठीक है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना देगा, सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर 64 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 5 को रखेंगे, यानी 5 को भी क्या करेंगे, सभी स्थान को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 5 हो गया, ए फाइव ही ईड होगा, ठीक। फाइव फाइव को भी क्या करेंगे, तो फाइव में क्या करेंगे, फाइव का स्थानीय मान कितना, एफ का स्थानीय मान कितना होता है, तो 6 पाता है, और आई कितने पाता है, 9 पाता है, भी कितने पाता है, 22 पाता है, और ई कितने पाता है, 5 पाता है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, इसमें सबको जोड़ने के बाद में 42 देगा, कितना गया, 42 देगा। यानी जो 5 को क्या लिखेगा, तो 5 को आपको 42 लिखेगा। तब देखते हैं कि 42 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांच नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN रेखे पर रखे जाने पर, देखिए जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक आकृति है, ठीक है। इस आकृति को अगर हम इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको आकृति है ना वो आकृति को दर्पण में देखते हैं। देखिए जब इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए अगर पांच को आकृति में देखेंगे तो देखिए पांच आपको इस प्रकार से बन जाएगा। अब एक्स को देखिएगा तो देखिए एक्स आप इस प्रकार से बन जाएगा, और जेड को देखिएगा तो जेड देखिए आपको इस प्रकार से बनेगा, और ए को देखिएगा तो ए आपको तो उसी प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर क्यू दिख रहा है, ठीक है। क्यू क्यू को अगर क्या करेंगे, क्यू को अगर हम देखेंगे किच में दर्पण में इस प्रकार से दिखेगा। देखिए W को देखेंगे तो इसी प्रकार से देखेगा, और E को देखिएगा तो देखिए E आपको किस प्रकार से, तो E आपको इस नौ तरफ आ जाएगा, ठीक है। यानी E इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए V V भी आपको कब बनेगा, V आपको इसी प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये वास्तविक आकृति है, और इसी को आकृति को हम दर्पण में देखें इस तरह का आकृति बना है, तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर यानी डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों छः नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में यानी दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में यानी दोनों छोर से क्या है, सुनीता क्या है, 11वां है, दोनों छोर से क्या है, 11वां स्थान है। देखिए यानी दाहिने से हो गया और बाएं से हो गया, दोनों छोर से कितने हैं, 11वां है, तो दोनों छोर से 11वां हो गया। अब बोल रहा है कि उच्च पंक्ति में कितने लड़कियां हैं, जब पूछेगा कि उच्च पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और -1 करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, दोनों छोर से दिया है कितना, 11वां, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना गया, 22 है, और 22 में से क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे, कितना देगा, 21 है, कितना का, 21 है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए, यानी इसमें बोला कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो 21 को लड़कियां हैं, तो 21 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर एफ एफ लेके हो रहा है, यहाँ पर पी हो रहा है, पी से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स हो रहा है, एक्स से क्या हो रहा है, यहाँ पर डी हो रहा है, डी से क्या हो रहा है, यहाँ पर एच हो रहा है, एच लेके हो रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्हीं की जगह पर बताना है कि इन कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ एफ से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, तो एफ में अगर क्या करते हैं 10 को जोड़ देंगे, जब F में 10 को जोड़ देंगे तब कितना गया, P आ जाएगा, और P से क्या लिख रहा है, X लिख रहा है, तो P में क्या करते हैं, यहां पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना गया, X आ जाएगा,
और एक्स क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, तो एक्स में क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर डी आ जाएगा, और डी से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर एच लिख रहे हैं, तो डी में क्या करते हैं यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे कितना गया यहाँ पर एच आ जाएगा, और एच में क्या करते हैं 2 को जोड़ेंगे। किस प्रकार से 2 को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 8 जुड़ रहा है फिर माइनस फिर 8 क्या कर रहे हैं 8, देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं घटते क्रम में चल रहा है ना, ये देखिए ध्यान से देखेंगे घटते क्रम में चल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए कर रहे हैं यहाँ पर 10 को जोड़ रहा है फिर 8 को जोड़ रहा है फिर 6 को जोड़ रहा है फिर 4 को जोड़ रहा है, तब क्या 2 को जोड़ेंगे, जब एच में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना रहे जी आ जाएगा, कितना का जी आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर हो जाएगा तो जी हो जाएगा। तो जे को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर अब आपको एक संबंधित शब्द दिया है, ठीक है, तितली जो है ना आपको कीट के अंदर संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है कि सांप जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर जो देखिए तितली जो है ना वो कीट के अंतर्गत आती है, तितली जो है वो आपको देखिए तितली जो है ना आपको कीट के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार से सांप, सांप जो है किसके अंतर्गत आती है तो सरीसृप के अंतर्गत आती है, ठीक है, यहाँ पे कह जाएगा यानी सरीसृप हो जाएगा, यानी सरीसृप हो जाएगा, ठीक है, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक कीट, देखिए तितली जो है वो कीट के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार से सांप जो है सरीसृप के अंतर्गत आती है, तो सरीसृप को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर को दूध दिया, तरल दिया और कलम दिया, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो दूध दिख रहा है, तरल दिख रहा है और कमल में कॉलम में कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन कॉमन का दिख रहा है, तरल दिख रहा है, तरल के अंदर में दूध आ जाएगा, ठीक है, तरल के अंदर में दूध आएगा, लेकिन तरल के अंदर में क्या कॉलम आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे किस तरह से आपस में संबंधित होगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या रखेंगे, इसको तरल रखेंगे, क्या रखते हैं इसको तरल रखते हैं, ठीक है, ये तरल हो गया, तरल के अंदर में कहते हैं कॉलम, तरल के अंदर में कहते हैं दूध आता है, सॉरी यहाँ पर क्या तरल के अंदर में दूध आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कॉलम आपको अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉलम आपको इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से आपस में समझ होगा, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तरल, तरल के अंदर में कहते हैं दूध आते हैं लेकिन तरल के अंदर में कॉलम नहीं आता है, कॉलम आपको अलग हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से, देखिए यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी, इन आकृति में बताना है कि लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 आकृति दिया ना, 2 आकृति में देखते हैं कि इसके जगह पर यानी प्रश्नवाचक की चिन्ह पर यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 24 लिखा है, 21 प्रकार से लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, पहला आकृति में देखते हैं, पहला आकृति को क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 0 को 6 को 4 को 2 को आपस में क्या करेंगे कि 10 आ जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे इस सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 0 हो गया, फिर यहाँ पर 6 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ने कितना गया, 6 4 10 10 10 2 12 गया, कितना गया यहाँ पर 12 गया, लेकिन 12 में से क्या करते हैं 2 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया बराबर में कितना देगा 10 आ गया, कितना गया 10 आ गया, देखिए यहाँ पर 10 दिए, ठीक उसी प्रकार से देखते हैं दूसरा आकृति में, दूसरा आकृति में देखिए यहाँ पर 6 दिया, 2 दिया, 10 दिए और 8 दिए, इन दोनों क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 को जोड़ते हैं, फिर प्लस में कितना दिए 2 दिया, फिर प्लस में कितना दिए 10 दिए, फिर प्लस में कितना दिए 8 दिए, इन सबको आपस में जोड़ते हैं, सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए तो यहाँ पर कितना गया 10 8 18 18 2 20 20 6 26 आएगा, कितना गया यहाँ पर 26 आएगा, यानी सबको जोड़ने पर कितना गया 26, 26 में से 2 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 24 आएगा, कितना गया 24 आएगा, देखिए यहाँ पर 24 दिया है, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है इसी तरह से फॉलो कर रहा है। तीसरा आकृति में भी क्या करेंगे इसी तरह से फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 लिख रहा है, 14 लिख रहा है, यहाँ पर 12 लिख रहा है, 10 लिख रहा है, इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गया 4 आ गया, फिर प्लस में 14 हो जाएगा, फिर प्लस में कितना हो गया यहाँ पर 12 हो गया, फिर इन प्लस में क्या करते हैं यहाँ पर 10 को जोड़ते हैं, ठीक है, सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, सब आपस में सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने का, देखिए सबको आपस में जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना देगा 40 आएगा, कितना गया यहाँ पर 40 आएगा, ठीक है 40 आएगा, और 40 में से क्या करते हैं 2 को माइनस करेंगे, जब 2 माइनस करेंगे तो ये पे कितना गया 38 आएगा, कितना गया 38 आएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 38 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है।
दोस्तों पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है, ठीक है, इस शब्द से मिलाकर इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है यानी नहीं बनाया जा सकता है, आपको इसी को गलत करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, अक्षर को और शब्द को मिलाते हैं। देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया, जी दिया है, यहाँ पर क्या दिया, आर दिए, ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, भी दिख रहा है, आई दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, भी, भी देखिए इस शब्द में किसी प्रकार से दिया है, ये भी किसी ऑप्शन में जो है वो भी है, वो भी आपको इस शब्द में किसी प्रकार से नहीं दिया है, ठीक है, भी नहीं दिया है। उसके बाद देखिए आई, आई दिया है, देखिए यहाँ पर आई मिल रहा है, ठीक है, आई हो गया, जी मिल रहा है, जी हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, आर हो गया, यहाँ पर आर दिया है, यानी सब मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है, भी नहीं दिया है, क्या है, ये भी नहीं दिया है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, भी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी का लिखते हैं, ठीक है, भी का प्रयोग यहाँ पर करके प्रयोग हो जाए, ठीक है, यानी प्रयोग, ठीक है, यानी प्रयोग प्रयोग किया जाता है, यानी किया यहाँ पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर वही पूछा है कि देखिए प्रयोग कर नहीं बना सकता है, यानी अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता है, ये जो शब्द दिया ना उस शब्द में आपको भी नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन ए में क्या दिया, भी दिया है, यानी यही जो ऑप्शन है इसे शब्द यानी अक्षरों से मिलकर शब्द नहीं बना सकता है, बाकी तीनों से बना सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों वो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न प्रश्नों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना ये खाली स्थान, इसके जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, आपको इसी को याद करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आकृति है ना वो आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे इस आकृति को पहले पूरा करने के लिए इसको करेंगे, ठीक है, उसके बाद में देखिए इस आकृति को पूरा करने के लिए इसमें रखेंगे, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको रख लेंगे, ठीक है, अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर इसको रख लेंगे, अभी इतना तक देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति आपको पूरा करेगा इस आकृति को, देखिए इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इस तरह का जो आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर मिल रहा है, देखिए इसमें किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए आपके हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।